क्यों बर्फ़ पिघलती है, क्यों गर्म चाय का कप रखे रखे ठंडा हो जाता है, क्यों किसी पंचर हुए टायर में से हवा बाहर की तरफ निकलती है, क्यों पानी में एक बूंद रंग की डालने पर वो घुल सी जाती है। इन सारी चीज़ों से हम एंट्रोपी को समझने की कोशिश करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे एंट्रोपी के बारे में। देखिए, आपने सुना ही होगा कि डिसऑर्डरनेस या डिसअरेंजमेंट, ये जो अव्यवस्था होती है, इसका इंक्रीजमेंट ही, इंक्रीज इन डिसऑर्डर को ही हम क्या बोल देते हैं, एंट्रोपी बोल देते हैं, जो कि सही कंसेप्ट नहीं है। तो एंट्रोपी है क्या? तो देखिए, एक रूम है जिसमें कि एक ग्लास के अंदर कुछ बर्फ़ के टुकड़े रखे हुए हैं और एक दूसरे ग्लास के अंदर सिंपल वाटर रखा हुआ है। ओके, तो क्या आप बता सकते हैं कि किसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी? देखिए, आप में से मैक्सिमम ये बोलेंगे कि जो बर्फ के टुकड़े वाला जो ग्लास भरा हुआ है, इसमें इसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा डिसऑर्डर्ड दिख रहा है आपको, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए, आप डिसऑर्डरनेस से जोड़ेंगे एंट्रोपी को, जो कि एक गलत कंसेप्ट है, आप इससे नहीं जोड़ सकते आप इसको। ओके, तो देखिए, यहाँ पर ये जो बर्फ़ वाला ग्लास है, इसका टेम्परेचर क्या है? इसका टेम्परेचर कम है। ओके, और जो सिंपल वाटर रखा हुआ है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो जिसका टेम्परेचर कम होगा, उसका जो एंट्रोपी होगी वो भी कम ही होगी। ओके, और जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उसकी एंट्रोपी भी ज़्यादा होगी। देखिए, यहाँ पर एंट्रोपी को समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, आप सब ने लूडो तो खेला ही होगा, ठीक है? तो जिसको लूडो खेलना आता है, तो फिर जिसको डाइस फेंकना आता है, उस बच्चे को भी एंट्रोपी के बारे में इजीली हम समझा सकते हैं। देखिए, किस तरीके से, आप दो डाइसेस ले लीजिए। ओके, जब आप दोनों डाइसेस को साथ में फेंकते हैं, तो ये गैस करना कितना मुश्किल होगा ना, कि कौन से नंबर आएंगे इन दोनों डाइसेस पे, है ना? और अपन को चाहिए कि एक्चुअल में कि जो भी डाइस पर जो भी नंबर आए, उसका सम चाहिए अपन को। तो ये गैस करना काफ़ी मुश्किल होगा कि कौन से नंबर आएंगे और उनका सम क्या होगा। लेकिन जब आप ये प्रोसेस बहुत बार कर लेते हैं, करीब 10 से 15 हज़ार बार कर लेते हैं, तो आपको कुछ इस तरीके का प्लॉट मिलता है देखने को। ओके, तो इसमें आप देखिए, आप इसकी ब्यूटी को देखिए, इस ग्राफ की ब्यूटी को देखिए। इसमें आप देखते ही पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा बार आएगी। देखिए, इसमें आप सही बता रहे हैं, इसमें जो 7 है वो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। ऐसा क्यों? देखिए, अगर दो आए डाइसिस पर, दो आए, वो कैसे कैसे आ सकता है? या तो पहले डाइस पे 1 आए और दूसरे डाइस पे भी 1 आए, तब 2 आ सकते हैं। 3 आने की, पहले पे 1, फिर दूसरे पे 1, या फिर पहले पे 2, दूसरे पे 1, तो 2 कंडीशंस। इस तरीके से 3, 4, 5, 6, 7, 2 से लेकर के 12 तक चले जाएंगे हम। 12 आने की, 6 और 6, बस एक ही, ठीक है? और 7 आने की, देखिए यहाँ पर कितनी सारी है, 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1, ठीक है? तो 6 कंडीशंस हैं जो कि सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा स्टेट्स में अवेलेबल है, ठीक है? ये 7, तो यहाँ पर 7 आने की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। तो 7 स्टेट पे ये सबसे ज़्यादा रह सकता है। अब ज़रा ये भी देखिए कि इसमें डिसऑर्डरनेस कहाँ है, ये बिल्कुल कितनी अरेंजमेंट में तो है, ठीक है? इस ग्राफ में कितना बिल्कुल अरेंजमेंट है इस ग्राफ के अंदर, डिसऑर्डरनेस कहाँ है, ठीक है? तो ये वर्ड यूज़ करना बहुत ही गलत है, जो कि एंट्रोपी के लिए अक्सर यूज़ किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि नेचर हमेशा जो सबसे मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होगी, उधर ही जाना पसंद करती है। ओके, तो इंक्रीज इन एंट्रोपी मीन्स नेचर मूव्स टुवर्ड्स मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। इसलिए हॉट बॉडी धीरे धीरे कोल्ड की तरफ जाती है। तो एंट्रोपी क्या है? सिंपली एनर्जी किस हिसाब से बाहर की तरफ निकल रही है, यही तो एंट्रोपी है, ठीक है? या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि विदाउट एक्सटर्नल स्टेट में कोई चेंज किए हुए, मैक्सिमम कितने स्टेट्स में सबसे ज़्यादा रह सकती है, क्योंकि नेचर को वैरायटी ज़्यादा पसंद है। तो देखिए, ये सारी चीज़ें क्या बताती है कि एंट्रोपी क्या है, ठीक है? तो आई होप आपको एंट्रोपी के बारे में आइडिया मिल गया होगा कि एंट्रोपी एक्चुअल में चीज़ क्या है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि S=KLnW एक्चुअल में होता क्या है, ये एंट्रोपी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, मैथमेटिकल मीनिंग एंट्रोपी का क्या होता है, और ये फॉर्मूला देने वाले बोल्ड जमान ने सुसाइड क्यों कर लिया था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस बात की चर्चा करेंगे अच्छे से। अगर आपको इस वीडियो में ज़रा भी कुछ अच्छा लगा हो,
तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को। आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।